हाय बच्चा बाटे, गुड डे। ठीक है, अभी नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर। ये एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर है, हमारे बोर्ड सिलेबस के हिसाब से मैं ये लेक्चर्स तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी एंड पावर, सेम चैप्टर हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और ठीक है, वहाँ पे ब्रीफ में पढ़ा था, अभी थोड़ा उसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे हम सीबीएसई के अंदर। तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने आज वर्क के ऊपर डिस्कशन करूंगा, आने वाले लेक्चर्स के अंदर एनर्जी के बारे में और पावर के बारे में बात करेंगे। तो पहले वर्क, फिर एनर्जी, और वर्क और एनर्जी को यूज करते हुए हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमने थोड़ा बहुत यूज भी किया हुआ है 9th क्लास के अंदर। ठीक है, बट उससे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जाते हैं। तो ठीक है, 9th क्लास में उतना नहीं पढ़ाया होगा तुम्हें, अभी जितना हमें 11th में पढ़ना है। ऑब्वियसली बड़ी क्लास में आ गए हो। तो सबसे पहले हम लोग वर्क की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, फिर वर्क एनर्जी को रिलेट करते हुए वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसके बाद फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और लेटर हाफ में हम लोग चैप्टर में पावर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर, ये तीन चीजें अभी हमें डिस्कस करनी है। हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं आज वाले लेक्चर में वर्क से। तो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन, वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तुमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो गई, तभी उस फोर्स ने बॉडी पे वर्क किया। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ रही है। वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो लास्ट लाइन है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगेगा, अभी इसको सिर्फ रीडिंग लगा लेते हैं। अभी इसको मैं थोड़ी देर बाद पूरा डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो वर्क डन बाय फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो लास्ट लाइन हमने डेफिनेशन में यूज करी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये भी थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोगों ने जो सुना हुआ है 9th क्लास में सुना होगा, क्या फॉर्मूला सुना है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर बात समझो, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उतना ज्यादा डिटेल में वेक्टर्स हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा नहीं होता था, अभी हम लोग वेक्टर्स चैप्टर को, टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर वर्क आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट लूंगा? ठीक है, हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल डॉट यूज करते हैं। तो ध्यान दो, ये जो हमारे सीबीएसई की बुक्स में लिखा होता है, बोर्ड के बुक्स में लिखा होता है, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी। एफ क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डी से दिखा देते हैं, एस से भी दिखा देते हैं। तो एफ डॉट एस क्या बन जाएगा? ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट की, बिकॉज हमें आंसर जो चाहिए वो एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए। और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा, दैट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ऐसे ही वर्क डन निकालने के लिए एफ डॉट एस क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारी बॉडी पे फोर्स लग रही है एफ, ठीक है ना, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है थीटा, तो वर्क डन विल बी एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वर्क डन कोई भी बॉडी है उस पर वर्क डन पॉजिटिव कब होगा?
कोई बॉडी है, तुमने उस पर फोर्स लगाई एफ, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया एस, वर्क डन इज गोइंग टू बी एफ एस कॉस थीटा. में एफ क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू. एस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगेन इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, तो वर्क डन अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होगा. तो वर्क डन को पॉजिटिव लाने के लिए बेसिकली अब हमें और क्या चाहिए? कॉस थीटा पॉजिटिव. और कॉस थीटा पॉजिटिव होने के लिए थीटा एंगल कैसा होना चाहिए हमारा? एक्यूट. ठीक है ना, थीटा एंगल कैसा होना चाहिए हमारा? एक्यूट होना चाहिए. तो हमारी जो बॉडी है उस पर हमने फोर्स एफ लगाई, डिस्प्लेसमेंट एस आया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में अगर एंगल एक्यूट है तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. थीटा एक्यूट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू सबको मालूम है पॉजिटिव होती है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा. तो वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्यूट. ठीक है, ऐसे किसी भी फोर्स का बॉडी पे वर्क डन नेगेटिव कब होगा? तो अगेन वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, हमें नेगेटिव चाहिए, इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए. फिर से फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव आने के लिए, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आने के लिए कॉस थीटा शुड बी नेगेटिव. और कॉस थीटा नेगेटिव होने के लिए थीटा शुड बी ऑब्ट्यूस. दैट इज फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो हमारा एंगल है, ये हमारा ब्लॉक, ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स वेक्टर और बॉडी में आने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कैसा होना चाहिए? ऑब्ट्यूस. ठीक है ना, तो ऑब्ट्यूस एंगल, अगर एंगल थीटा ऑब्ट्यूस हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस हुआ, थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, ऐसे वर्क डन जीरो के लिए, वर्क डन का एक्सप्रेशन एफ एस कॉस थीटा शुड बी जीरो. अब कोई बॉडी है उस पर फोर्स लग रही है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है और फिर भी वर्क डन जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, बॉडी में आने वाला डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, फिर भी वर्क डन जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली कॉस थीटा की वैल्यू जीरो. और कॉस थीटा जीरो कब होता है? तो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज जो भी तुम्हारी बॉडी पे फोर्स लग रही है और बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री. याद है तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है, तो फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, फोर्स का वर्क डन इज जीरो. भाई डिस्प्लेसमेंट किधर आ रहा है? राइट. फोर्स कैसे लग रही है? मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो तो अपवर्ड, फोर्स अपवर्ड, पर बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट आया ही नहीं, फोर्स बॉडी को अपने डायरेक्शन में डिस्प्लेस ही नहीं करा पाई, तो फोर्स का वर्क डन इज जीरो. तो इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इट वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस हुआ तो वर्क डन नेगेटिव, 90 हुआ तो वर्क डन जीरो. ठीक है ना, वर्क डन जीरो के लिए एक और कंडीशन भी हो सकती है कि तुमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई और बॉडी का ऊपर तुम्हारे फोर्स का वर्क डन जीरो आ जाए. उसके लिए पहली कंडीशन तो उन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए. एक और कंडीशन भी हो सकती है कि तुमने बॉडी पे फोर्स लगाई और बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई. कोई बात समझो, मेरे पास यहाँ पे एक वॉल है, मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं पुश कर रहा हूँ वॉल के अगेंस्ट. ठीक है ना, बॉल को, सॉरी, ब्लॉक को मैं पुश कर रहा हूँ वॉल के अगेंस्ट, ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, वॉल है ना सामने. अब फोर्स लगाई और ब्लॉक मूव ही नहीं किया, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है जीरो, फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी फिर से डिस्प्लेस ही नहीं हुई, तो वर्क डन जीरो. तो बॉडी पे तुमने फोर्स लगाई और बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई तो भी बॉडी का वर्क, बॉडी के ऊपर तुम्हारी फोर्स का वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो. ठीक है, तो कोई बॉडी पे तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम्हारी फोर्स का वर्क डन जीरो हो रहा है, तो वन पॉसिबिलिटी इज तुम्हारे फोर्स की वजह से जो भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, तुम जो बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है
उनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि तुम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है, इन दैट केस ऑल्सो वर्क डन बाय फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। क्लियर हो गया? चलो ये तो तुम्हारे सामने तीन केसेस मैंने डिस्कस करे, वर्क डन किसी भी बॉडी पे तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। ठीक है, चलो अभी तुम्हारे सामने कुछ स्पेशल केसेस में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला स्पेशल केस मैं लेता हूँ, मेरे पास कोई बॉडी है मास एम की, ठीक है, राइट की तरफ डिस्प्लेस हो रही है और मैं इस पर राइट की तरफ ही फोर्स लगा रहा हूँ, दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, स्पेशल केस तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ केस जिसमें बॉडी पे लगने वाली फोर्स और बॉडी में आने वाले डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो फोर्स एफ का वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ इन टू एस। ठीक है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर पैरेलल होंगे तो फोर्स एफ की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इन टू एस। ऐसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर होगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर से स्पेशल केस ले रहा हूँ जिसमें बॉडी में आने वाला डिस्प्लेसमेंट और बॉडी पे लगने वाली फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय फोर्स विल बी एफ का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री। क्या वर्क आ जाएगा, माइनस एफ इन टू एस। ठीक है, तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आया तो वर्क डन एफ इन टू एस, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आया तो वर्क डन इज गोइंग टू बी माइनस एफ एस। और तीसरा स्पेशल केस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, बीच में एंगल 90 डिग्री है। स्पेशल केस व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, वर्क डन इज गोइंग टू बी एफ एस कॉस 90 जीरो। ठीक है ना, तो तुम्हारे सामने जो ये तीन स्पेशल केस मैंने बनाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन एफ इन टू एस, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन माइनस एफ इन टू एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री तो वर्क डन जीरो। इन तीनों स्पेशल केसेस को दिमाग में रखो, और तुम्हारे को जो मैं थोड़ी देर पहले वर्क की डेफिनेशन पढ़ा रहा था उसकी लास्ट स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क डन बाय फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आई थी, मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारे सामने ये तीन स्पेशल केस मैंने डिस्कस करे, तो चलो समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दो मेरा ये डायग्राम, ठीक है, तो डिस्कशन में देखो मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगा दी है एफ एट एन एंगल थीटा और बॉडी को डिस्प्लेस करा दिया है डिस्टेंस डी से। तो ठीक है, इस फोर्स का हमें बॉडी के ऊपर वर्क डन निकालना है। ठीक है, तुम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अभी मैं तुम्हें विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या। तो ध्यान दो, हमारी जो फोर्स लग रही है उस फोर्स लगाने पे ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया, ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डी। तो नोटिस करो, ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स के मैं दो कॉम्पोनेंट कर देता हूँ, एक डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल एफ कॉस थीटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में कैसे रिजोल्व करते हैं, याद है सबको, कोई भी वेक्टर है उसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहे हैं, तो हमारे याद करने का तरीका, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करने के लिए एंगल थीटा की तरफ जाओगे तो एफ कॉस थीटा, एंगल थीटा से दूर जाओगे तो कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो वेक्टर के इफेक्ट को हम रिजोल्व कर रहे हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, ऐसे यहाँ पे फोर्स एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा। मैं दिमाग लगाओ, एफ साइन थीटा तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, एफ साइन थीटा का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय कंपोनेंट एफ साइन थीटा इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, हमारे फोर्स का कंपोनेंट एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और अभी पिछले 5 मिनट में हम दो बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो
तो फोर्स का वर्क डन जीरो होता है. तो हमारे फोर्स एफ का कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा का वर्क डन ऑन द बॉडी इज जीरो, एज एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. और ध्यान से देखो अब एफ कॉस थीटा को, एफ कॉस थीटा कैसा है, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. मेरा पहला स्पेशल केस व्हेन थीटा इज जीरो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो एफ कॉस थीटा फोर्स, एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट का वर्क डन एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट. ध्यान दो वर्क डन का फॉर्मूला जो हमने एफ इनटू डी कॉस थीटा पढ़ा था, इसको ये लोग कैसा पढ़ना चाहते हैं, एफ कॉस थीटा इनटू डी. और इस सारे डिस्कशन से मैं तुम्हें रियलाइज करा रहा हूं कि ये एफ कॉस थीटा क्या है. एफ कॉस थीटा इज कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एफ कॉस थीटा इज कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कितना आ रहा है हमारा, एफ कॉस थीटा. ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा को हमने कैसे पढ़ लिया, एफ कॉस थीटा इनटू डी. एंड वी रियलाइजिंग, ठीक है, दैट एफ कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन ऑन अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. डेफिनेशन समझ में आई, डेफिनेशन के अंदर जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट थी उसी स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज गोइंग टू बी इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट ऑफ दैट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. क्लियर हो गया. चलो इसके बाद हम लोग बात करना चालू करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ वर्क. ठीक है, यूनिट्स की, वर्क की यूनिट्स क्या हम लोग यूज करने वाले हैं और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है. चलो सबसे पहले तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ही डिस्कस कर लेते हैं. वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन एरर्स में पढ़ा था हम लोगों ने. ठीक है, वर्क किस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स इज गोइंग टू बी मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है ना, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर एल पर सेकंड स्क्वायर टी माइनस टू. और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ एल. तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आने वाला है हमारे पास, एम वन एल टू टी माइनस टू. ठीक है ना, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सबने यूनिट डायमेंशन एरर्स में हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, एम वन एल टू टी माइनस टू. ठीक है, बात करना चालू करते हैं इसकी यूनिट्स की. ठीक है, तो यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं तो दो तरह की यूनिट हमारे बोर्ड एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखी है, एब्सोल्यूट यूनिट्स और ग्रेविटेशनल यूनिट्स. ठीक है, तो चलो सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट्स पे बात करते हैं जिनके बारे में तुम पहले से भी पढ़ चुके हो. ठीक है, वर्क यूनिट जो हम पहले से यूज करते आए हैं, कौन से यूज करते आए हैं, जूल अगर एमके सिस्टम में बात कर रहे हैं तो जूल, और सीजीएस सिस्टम में बात कर रहे हैं तो अर्ग. ठीक है, तो जूल क्या होता है, वन जूल इज द वर्क डन. ठीक है, वर्क डन को अगर हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं जूल्स में तो जूल को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ. वर्क डन इज सेड टू बी इन वन, सेड टू बी वन जूल व्हेन फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्चुअली मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ठीक है, तुमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई वन न्यूटन और बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया बाय वन मीटर, और फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, फोर्स जो तुम्हारी वन न्यूटन है डिस्प्लेसमेंट उसी के डायरेक्शन में है. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा में फोर्स वन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट वन मीटर, कॉस थीटा दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो कॉस जीरो वन, वन इंटू वन इंटू वन, वर्क डन कितना आ जाएगा वन. और ध्यान दो फोर्स की तुमने ऐसा यूनिट यूज करी, डिस्प्लेसमेंट की तुमने ऐसा यूनिट यूज करी, तो मल्टीप्लाई करके जो वर्क तुम्हारा वन आ रहा है उसकी भी ऐसा यूनिट में आंसर आएगा, और वो ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, जूल. आया समझ में आया. तो कोई बॉडी है उस पर तुम फोर्स लगाते हो वन न्यूटन, और फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है वायर डिस्टेंस ऑफ वन मीटर, देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज गोइंग टू बी वन जूल. ठीक है, स्कूल में आ जाए, वन जूल को डिफाइन करो तो वन जूल
is the work done on the body when a force of 1 newton displaces the body in its own direction by a distance of 1 meter. ठीक है ना, और ऐसे अर्क सिमिलर हो जाएगा, बस इसके अंदर हम सीजीएस यूनिट के अंदर बात करेंगे. फोर्स की हमारी सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर. तो फिर से वही सेम कहानी, इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन displaces a body in its own direction by a distance of 1 centimeter, then work done will be 1 in CGS unit, and CGS unit of work is erg. So work done is said to be 1 erg when a force of 1 dyne actually moves a body through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्सप्लेन भी कर दिया तुम्हें मैंने डायग्राम बना बना के, समझ में आ गया सबको? ठीक है ना, चलो अब एब्सोल्यूट यूनिट्स के बाद ये लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, अब ये क्या कहानी है? कुछ सिमिलर सी कहानी है, बस एक्सप्रेस करने का तरीका है यूनिट्स को. तो सबसे पहले ये लोग बात कर रहे हैं किलोग्राम मीटर, दूसरा तुम्हारा क्या है? ग्राम सेंटीमीटर. ठीक है, चलो समझने की कोशिश करो. वर्क डन इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 kgf, याद है 1 kgf? ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग वेट को मेजर करने के लिए यूज करते थे ना. ठीक है ना, 1 kg weight, 1 kg weight, 1 kg weight, 1 kgf, एक ही बात है. 1 kg weight 1 kilo mass का वेट, दैट इज 1 kilo mass का फोर्स, इसके बराबर हो जाएगा 1 into g newton, where g is acceleration due to gravity at surface of earth. याद है ना सबको, स्मॉल जिसम किसको एक्सप्रेस करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे नहीं, मास पे नहीं, कहां पे? एट सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है ना, तो 1 kg weight, 1 kgf इज इक्वल टू 1 into g newton, और g की वैल्यू 9.8, तो 1 kgf इज गोइंग टू बी 9.8 newton. तो चलो समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पास कोई बॉडी है उसके ऊपर वर्क डन 1 किलोग्राम मीटर. वर्क डन इज सेट टू बी 1 किलोग्राम मीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 kgf, दैट इज, अगर न्यूटन में बात कर रहे होते तो 9.8 newton, अभी kgf में बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स में बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ 1 kgf या 1 kg weight मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. फिर से तुम्हारे पास कोई बॉडी है, तुमने उस पर फोर्स लगाई और फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस कराया, तो फोर्स कितनी लगाई हमने? ठीक है, फोर्स कितनी लगाई हमने? 1 kgf के बराबर, 1 kg weight के बराबर. और बॉडी को डिस्प्लेस कितना कर दिया हम लोगों ने? 1 meter के बराबर. तो जो बॉडी पे वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड 1 kilogram meter. और ऐसी फोर्स 1 kgf की जगह 1 gram f. ठीक है, वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी सेट टू बी 1 gram centimeter व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 gram f, 1 gram weight. सीजीएस यूनिट में बात कर रहे हैं, केजी की जगह ग्राम. ठीक है ना, 1 gram force या 1 gram weight के बराबर हमने बॉडी पे फोर्स लगा दिया. And we move it through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force. तो जो work done होगा, that will be called 1 gram centimeter. ठीक है, कभी ये units आ जाएं, इसलिए हमें इनको पता होना चाहिए. But basically, हम अपने आप कभी units use नहीं करते. हम लोग जो units use करेंगे, वो joule और erg use करेंगे. और 99% question हमें SI system में मिलने वाले हैं, तो joule ही use करेंगे. पर कभी किसी question में दे दिया कि work done on a body is 10 kilogram meter. 5 gram centimeter, तो तुम्हें इन यूनिट्स के बारे में भी पता होना चाहिए. और ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए इन बाकी यूनिट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, किलोवाट आवर. ठीक है ना, तो चलो ध्यान से देखो. 1 erg is 10 की पावर 7 joule. हमने यूनिट डायमेंशन एरर्स में डिस्कस किया था, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग. सॉरी, सही तो लिखा हुआ है. 1 joule क्या होता है हमारा? 10 की पावर 7 erg किया था हमने डिराइव. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 joule इज इक्वल टू 10 की पावर 7 erg. तो 1 erg इज गोइंग टू बी 10 की पावर -7 joule. ठीक है, वो सही लिखा हुआ था, मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी. खैर, 1 joule इज इक्वल टू 10 की पावर 7 erg होता था, तो 1 erg इज गोइंग टू बी 10 की पावर -7 joule. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये तुम केमिस्ट्री में यूज करना तुम लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह. आगे जाके 12th में हम लोग भी इसको बहुत यूज करने वाले हैं. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको याद है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन
चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो आगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाएंगे तो वहां पे हम एनर्जीज को, वर्क डन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्कस करेंगे। कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी एनर्जी, उसके ऊपर वर्क डन को हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए तुमने कन्वर्जन फैक्टर याद करना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, याद करने के लिए मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें याद है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू की हेल्प लेनी है, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है ना। कैलोरी और जूल में तो तुम्हें कन्वर्जन फैक्टर छोटी क्लासेस से पता है, 9th क्लास में भी तुमने यूज किया होगा, 1 calorie = 4.186 जूल। ठीक है, तो कभी कभी हम वर्क डन को, एनर्जी को कैलोरीज में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद किलो वॉट आवर। ठीक है, 1 kWh क्या होता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो जब हम 1 kWh यूज कर लेते हैं एनर्जी, तो हमारे बिजली का जो मीटर होता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होता है, वो 1 unit आगे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली 1 kWh। ठीक है, किलो वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट किसकी यूनिट होती है, तुम लोगों को सबको याद होगा पावर की, और ऑब्वियसली पावर इंटू टाइम, आर किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है, पावर इंटू टाइम क्या मिलेगा, एनर्जी वर्क। ठीक है ना, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होती है, तो वर्क और एनर्जी को हम लोग आपस में रिलेट करते रहेंगे आगे जाके। अभी के लिए वॉट किसकी यूनिट है, पावर की, आर किसकी यूनिट है, टाइम की, पावर इंटू टाइम वर्क। तो चलो ध्यान दो, 1 kWh। ठीक है, किलो वॉट, किलो वॉट, किलो 10³ वॉट, 1 kW पावर की मैं बात कर रहा हूं, तो किलो वॉट में किलो के लेके लगा दिया, 10³ वॉट क्या हो जाता है, जूल पर सेकेंड इंटू 1 आवर। 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट्स, हर मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है ना, 1 आवर में 60 मिनट्स, हर मिनट में 60 सेकेंड्स, ऐसा ही सिस्टम में लेके जाना चाह रहा हूं ना मैं। तो किलो वॉट में किलो के लिए 10³ वॉट, 1 वॉट 1 joule/s होता है, 1 आवर में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, 60 × 60 3600 सेकेंड। क्या आ गया अपने पास, 3600 × 10³, दैट इज 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, समझ में आई वैल्यू कैसे आई है। तो 1 kWh मतलब तुम्हारे घर में कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई एसी लगा हुआ है, कोई फैन लगा हुआ है। ठीक है ना, अगर तुम्हारा फैन 3.6 × 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो तुम्हारा एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। 1 kWh इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना हो रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसके लिए हम लोग इस यूनिट की हेल्प लेते हैं, 1 kWh। क्लियर हो गया। ठीक है, ये यूनिट्स हैं, ये सारी की सारी यूनिट्स तुमने याद रखनी है, जितनी हमारे काम आने वाली है 11th में और 12th में, मैंने सारी तुम्हें यहाँ पे एक साथ डिस्कस कर दी। चलो नेक्स्ट तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अब एक अगला आर्टिकल छोटा सा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, कोई बॉडी है उस पे तुमने फोर्स लगाई, जिस फोर्स का हम लोग वर्क डन डिस्कस करना चाहते हैं, वो फोर्स वेरी कर रही है। ठीक है, बॉडी पे अप्लाई की गई फोर्स तुम्हारी वेरी कर रही है। ठीक है, और तुम उस वेरिंग फोर्स का वर्क डन निकालना चाहते हो। ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या दिमाग लगाएंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगर हमारी फोर्स ओवर द डिस्प्लेसमेंट, बॉडी पे लगने वाली फोर्स कॉन्स्टेंट होती, तो वर्क डन क्या होता, एफ डॉट एस। ठीक है, अगर फोर्स वेरी कर रही है तो उसका वर्क डन निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ जाएगी, इंटीग्रेशन की। भाई बात को समझो, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते थे काइनेमेटिक्स के अंदर, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गोइंग टू बी वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ अ बॉडी इज वेलोसिटी इनटू टाइम। कब लगा सकते हो, कब लगा सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, पर तुम्हारी जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही हो। ठीक है, कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन से जा रहा है, ठीक है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जा रहा है, और रास्ते में उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही हो, तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ VdT, टाइम की लिमिट फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम।
velocity of body is not constant, it is varying. Then to find the displacement of the body, we have to take the help of integration. Displacement of the body is going to be integration of vdt. जिसमें टाइम की लिमिट हम क्या डालेंगे, फ्रॉम इनिशियल टाइम टी आई तो फाइनल टाइम टी एफ. तो सेम दिमाग तुम यहाँ पे लगाओ. अब तुम्हारे पास कोई बॉडी है, उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है और तुम्हें उस फोर्स का वर्क डन निकालना है, ठीक है ना. तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस लगा देते. अगर फोर्स कॉन्स्टेंट होती, पर अभी हम बात कर रहे हैं रास्ते में जो बॉडी पे फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज वेरिएबल. वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना है. रास्ते में बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसका हम वर्क डन ढूंढना चाहते हैं, वो फोर्स बॉडी पे एक्ट होने वाली फोर्स वेरी कर रही है. तो अगर फोर्स वेरी कर रही है तो हमें वर्क डन निकालने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ जाएगी, इंटीग्रेशन की. इफ द फोर्स इज वेरिंग, ठीक है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस. ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट एस, पर फोर्स वेरी कर रही है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस. ठीक है, तो व्हेन अ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरिंग, देन टू फाइंड आउट इट्स वर्क डन वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, इफ फोर्स वेरिएशन फंक्शन इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, उसमें फोर्स कैसे वेरी कर रही है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, बॉडी पे लगने वाली फोर्स कैसे वेरी कर रही है, उस फोर्स का फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है और तुम्हें वर्क डन निकालना है, तो तुम वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस लगाओगे. फोर्स का जो भी फंक्शन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, वो उस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बॉडी की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में इंटीग्रेशन करोगे. इनिशियल पोजीशन एक्स आई टू फाइनल पोजीशन एक्स एफ तक तुम इंटीग्रेट करके नेट वर्क डन निकाल लोगे. बट यहीं पे इफ द वेरिएशन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ठीक है, बॉडी पे लगने वाली फोर्स डिस्प्लेसमेंट में रस्ते में वेरी कर रही है, ओवर द डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है और कैसे वेरी कर रही है, तुमने उसका फंक्शन ना देके उसका ग्राफ बना के दे दिया, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे. तो ध्यान दो, वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन क्या करता है, जब हम इंटीग्रेशन को बोलते हैं, इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस कर फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजीशन तक का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है. नहीं, रास्ते में फोर्स वेरी कर रही है, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस लगाएं तो एफ की वैल्यू क्या लें, फोर्स की वैल्यू रास्ते में हर पॉइंट पे वेरी कर रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन करता है, जब भी हम इंटीग्रेशन को बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस कर फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, तो वो इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन के बीच के डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है. रस्ते में फोर्स वेरी कर रही है, पर एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी एक्स या छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी एस में हमारी फोर्स की वैल्यू में कितना वेरिएशन आएगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी एस दिखाने के लिए इतना बड़ा बना रखा है, इंटीग्रेशन इसको बहुत ज्यादा छोटा लेता है, और ओवर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेरी भी करेगी तो कितना वेरी करेगी, नेग्लिजिबल. उस नेग्लिजिबल चेंज को निगलेक्ट करते हुए छोटी सी इंटरवल डीएस में फोर्स की वैल्यू चेक करते हुए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा. ध्यान से देखो, स्ट्रिप का एरिया, ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिप की हाइट. डीएस क्या हो जाएगा, स्ट्रिप की विड्थ. हाइट इनटू विड्थ, स्ट्रिप का एरिया आ गया. तो ऐसे ही हर डिस्प्लेसमेंट डीएस 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 के अंदर हम जाके फोर्स की वैल्यू चेक करेंगे, फोर्स को उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डीएस से मल्टीप्लाई करके उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डीएस का वर्क डन निकालेंगे, और सारे डिस्प्लेसमेंट डीएस 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 के वर्क डन निकाल के जब सबको ऐड करोगे, नेट वर्क डन आ जाएगा. और ध्यान से देखो, दैट नेट वर्क डन इज गोइंग टू बी एरिया एनक्लोज बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. अगर तुम्हें बॉडी के ऊपर वर्क डन निकालना है बिटवीन एक्स आई टू एक्स एफ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजीशन, तो तुम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, फोर्स पोजीशन ग्राफ का एरिया निकाल लोगे बिटवीन एक्स इक्वल टू एक्स आई टू एक्स इक्वल टू एक्स एफ. दिस एंटायर एरिया विल प्रोवाइड अस वर्क डन. ठीक है, तो इसी बात को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के तुम्हारे सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं. ठीक है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस. तुम्हारे फोर्स का ग्राफ और जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है
उसके बीच में enclosed एरिया बिटवीन इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन विल प्रोवाइड अस वर्क डन बाय फोर्स. क्लियर हुआ? तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया जाए या फिर फोर्स का फंक्शन दे दिया जाए. वेरिंग फोर्स है तो एग्जामिनर के पास दो ऑप्शन है, वो तुम्हें फोर्स का फंक्शन बता दे या फोर्स का ग्राफ बना के दे दे. ग्राफ बना के दे देगा तो एरिया से वर्क डन निकाल देंगे, फोर्स का फंक्शन दे देगा तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस से वर्क डन निकाल दे. क्लियर हो गया? तो कॉन्स्टेंट फोर्स है तो सिंपली एफ डॉट एस, वेरिंग फोर्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, और ग्राफ प्रोवाइडेड है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस इज गोइंग टू बी इक्वलेंट टू एरिया एनक्लोज बिटवीन फोर्स ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस. चल अब ये जो हमने वर्क की थोड़ी सी कहानी डिस्कस करी है, ठीक है, इतनी थी थ्योरी, इतनी है. इसके ऊपर अब क्वेश्चन हमें जो दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर में, वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूँ. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, साइक्लिस्ट कम टू स्केडिंग स्टॉप इन 10 मीटर. ठीक है, कोई साइकिल है, हम लोगों ने उसकी फुल ब्रेक लगा दी और साइकिल के टायर स्किड होते हुए स्केडिंग स्टॉप पे आए इन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड. ठीक है, तुमने ब्रेक लगा दी, साइकिल के टायर ग्राउंड पे स्किड होने लगे और स्केडिंग को, स्लाइडिंग को अपोज करने के लिए ग्राउंड ने उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया. ठीक है, दैट फ्रिक्शन फोर्स, दैट अपोजिंग फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल इज प्रोवाइडेड टू बी 200 न्यूटन. ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब हमने ब्रेक लगा रखी है, साइकिल तुम्हारी स्किड होके स्टॉप हो रही है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोजिट टू द मोशन. ठीक है, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तुम्हारे जो साइकिल है उसको तो पहले मैं तुम्हें ड्रॉ करके चीजों को विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ. तो चलो ये हमारे साइकिल के व्हील्स. ठीक है ना, अब साइकिल है, कुछ वेलोसिटी से जा रही थी और हमने लगा दी हार्ड ब्रेक. हार्ड ब्रेक लगाने से क्या हुआ, जो साइकिल के हमारे व्हील्स रोटेट हो रहे थे, ब्रेक लगाते ही वो रोटेट होना बंद. ठीक है, साइकिल के व्हील्स जो है, जब तुम ब्रेक लगाते हो, ब्रेक क्या करती है, यहाँ पे जो ब्रेक शूज होते हैं वो क्या करते हैं, तुम्हारे साइकिल की ब्रेक जब तुम अप्लाई करते हो तो ये जो ब्रेक शूज लगे होते हैं वो साइकिल के व्हील्स को पकड़ लेते हैं, साइकिल के व्हील्स को ग्रिप कर लेते हैं. ग्रिप कर देने से उसका साइकिल के व्हील्स का रोटेशन बंद हो गया. ठीक है, साइकिल के टायर रोटेट होना बंद हो गए, बिना रोटेट हुए स्किड करते हुए आगे जा रहे हैं. तो जो व्हील के पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, सोच को उनको इमेजिन करो, जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, व्हील रोटेट नहीं कर रहा, बिना रोटेट करे स्किड हो रहा है. तो ये पॉइंट भी, व्हील के ये कांटेक्ट पॉइंट भी राइट की तरफ स्किड हो रहे होंगे, और स्किड होने से रोकने के लिए, स्लाइड होने से रोकने के लिए इन पे फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ अप्लाई हो रहा होगा. तो ये जो भी रेजिस्टेंस फोर्सेस लग रही हैं, FR1, FR2, जो तुम्हारे पास फ्रिक्शन फोर्सेस लग रही हैं, ये तुम्हें क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखी है 200 न्यूटन. ठीक है, और तुम्हारी साइकिल रुकते रुकते कितना डिस्प्लेस हो गई, 10 मीटर. ठीक है ना, स्किड होते होते स्टॉप होने तक कितना डिस्टेंस चल गई, 10 मीटर. तो हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल. ठीक है, तो रोड ने फोर्स कितनी लगाई, रोड ने साइकिल पे क्या लगाया, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन बाय रोड निकाल रहे हैं. रोड ने साइकिल के ऊपर क्या लगाई है, फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. ठीक है ना, वर्क डन एफ एस कॉस थीटा. तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही है हमारी नेट, कितनी लग रही है, 200 न्यूटन. साइकिल डिस्प्लेस कितना हो रही है, 10 मीटर. ठीक है, स्किड होते हुए साइकिल के जो व्हील्स के ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कितना आगे डिस्प्लेस हो जाएंगे, 10 मीटर. और फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, फ्रिक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स राइट, बीच में एंगल कितना है, 180, कॉस 180 माइनस 1. वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस 3000. आया समझ में? आया? तो वर्क डन बाय रोड ऑन द साइकिल इज गोइंग टू बी माइनस 2000 जूल. ठीक है ना, और माइनस साइन क्या बता रहे हैं, वर्क डन क्या करने वाला है. ठीक है, अभी एनर्जी के बारे में हमने बात नहीं की है, पर ठीक है, थोड़ा बहुत अभी से समझना चालू करते हैं. माइनस साइन ये बता रहा है कि ये वर्क डन
साइकिल की एनर्जी को डिक्रीज करने वाला है. नेगेटिव वर्क डन इम्प्लाइज कि ये जो वर्क डन है ये साइकिल की एनर्जी को डिक्रीज करने वाला है. और तुम रियलाइज कर रहे हो साइकिल शुरू में कैसी थी, मूविंग, बाद में क्या हो गई, स्टॉप. पहले मूविंग बाद में स्टॉप. तो ध्यान दो, इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई. किसने डिक्रीज किया? वर्क ने डिक्रीज किया, और वर्क ने एनर्जी को डिक्रीज किया, इसलिए वर्क डन नेगेटिव. चलो क्वेश्चन का बी पार्ट, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. चलो तो दिमाग लगाओ रोड के ऊपर. बाय न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. बाय न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो रोड साइकिल पे कैसे फोर्स लगा रही थी? टूवर्ड्स लेफ्ट. तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. रोड ने साइकिल पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाई, तो साइकिल ने रोड के ऊपर. उतना ही राइट की तरफ फोर्स लगा दिया होगा. साइकिल के व्हील पे लेफ्ट की तरफ एफ आर वन, तो ग्राउंड पे राइट की तरफ एफ आर वन. फ्रंट व्हील पे लेफ्ट की तरफ एफ आर टू, तो ग्राउंड पे राइट की तरफ एफ आर टू. तो ग्राउंड के ऊपर राइट की तरफ फोर्स. वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ साइकिल ऑन रोड. फ्रिक्शन फोर्स साइकिल की वजह से जो रोड पे लग रहा है, कितना लग रहा है? 200. किस तरफ? राइट की तरफ. और ध्यान से देखो और विजुलाइज करो, तुम्हारी रोड, ये सड़क राइट की तरफ कितना डिस्प्लेस हुई? जीरो. सड़क थोड़ी हिलने वाली है. साइकिल सड़क, साइकिल पे, साइकिल सड़क पे फोर्स लगा रही है, पर सड़क हमारी मूव ही नहीं करी. साइकिल ने सड़क पे फोर्स लगा के सड़क को मूव कराने की कोशिश करी, पर सड़क हमारी मूव ही नहीं करी. सड़क का डिस्प्लेसमेंट जीरो. तो वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड इज गोइंग टू बी जीरो. क्लियर हुआ? तो वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल माइनस 2000 जूल. ठीक है ना, ये क्या निकाला हम लोगों ने? वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल इज माइनस 2000 जूल, और वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड इज जीरो. क्लियर हुआ? समझ में आया दोनों केसेस, पार्ट ए पार्ट बी? चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये भी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, तुम्हारे सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ. वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म. ठीक है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कोई हमारी लेडी है, उस लेडी के पास कोई ट्रंक है, उस ट्रंक को उठा नहीं पा रही है, इसलिए पुश कर रही है. ठीक है, हैवी ट्रंक है, पुश कर करके मूव करा रही है. तो वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म ऑन अ रफ सरफेस. शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. ठीक है, पहले 100 न्यूटन की फोर्स लगा के ट्रंक को मूव कराती ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. देयर आफ्टर शी गेट प्रोग्रेसिवली टायर्ड. ठीक है, थकने लग गई. एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली फ्रॉम लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन. द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर. तो पहले 10 मीटर तो उसमें पूरी हिम्मत थी, वो अपनी 100 न्यूटन की फोर्स लगाती रही और उसको 10 मीटर डिस्प्लेस कर दिया. पर ओवर नेक्स्ट 10 मीटर टोटल कितना मूव कराया? 20 मीटर. तो ओवर नेक्स्ट 10 मीटर, ठीक है, वो थकने लग गई, और थकने की वजह से उसकी फोर्स डिक्रीज होने लग गई लीनियरली फ्रॉम 100 न्यूटन टू 50 न्यूटन. ठीक है, कहानी समझ में आ रही है, चल के आ रहा है क्वेश्चन में. प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय वुमन एंड द फ्रिक्शन फोर्स विच इज 50 न्यूटन. ठीक है, जो हमारी लेडी है वो ट्रंक को पुश कर रही है, कितना फोर्स लगा रही है वो फोर्स तो तुम्हें बता ही दी है. साथ में तुम्हें अब ये भी बता रहे हैं कि नीचे जो ऑब्वियसली सरफेस है रफ है और वो फ्रिक्शन लगा रहा है 50 न्यूटन. कैलकुलेट वर्क डन बाय टू फोर्सेस, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय लेडी एंड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. ठीक है, तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है और फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ प्लॉट करना है और वर्क डन निकालना है. तो चलो स्टार्ट करें. तो कहानी समझ में आ रही है, ये हमारा ट्रंक है, रफ फ्लोर के ऊपर पड़ा है. ठीक है, इस पे हमारी लेडी जो है राइट की तरफ फोर्स लगा रही है और लेफ्ट की तरफ उस पर फ्रिक्शन लग रहा है.
ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है कितनी, 50 न्यूटन, और जो लेडी फोर्स लगा रही है वो हमारी वेयरिंग फोर्स है, ठीक है, जो लेडी हमारी ट्रंक पे फोर्स लगा रही है वो वेयरिंग फोर्स है, वेयरिंग ओवर द डिस्टेंस। कैसे वेरी कर रही है, पहले उसका ग्राफ बना के दिखाना है, तो पहले चलो मैं उसका ग्राफ ही तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। तो फोर्स अप्लाइड बाय लेडी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रंक ओवर द फर्स्ट 10 मीटर वाइल डिस्प्लेसिंग इनिशियली, फर्स्ट 10 मीटर में फोर्स कैसी रही थी उसकी, कॉन्स्टेंट कितनी 100, और नेक्स्ट 10 मीटर टोटल 20 मीटर डिस्प्लेस किया ना उसने, उसकी फोर्स क्या होने लगी, लीनियरली डिक्रीज। देखो ग्राफ में लीनियर बना रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर उसकी फोर्स वेरी करी फ्रॉम 100 टू 50 न्यूटन, ठीक है ना, पहले 100 न्यूटन फिर लीनियरली डिक्रीज कराते कराते 50 न्यूटन, ठीक है। तो एक तो इस लेडी के फोर्स का वर्क डन निकालना है हमें ट्रंक पे, और दूसरा हमें फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालना है। देखो फ्रिक्शन का ग्राफ भी बना देता हूँ तुम्हारे सामने, फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रही है कितनी 50, और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रही है ओवर द एंटायर डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। अब फ्रिक्शन फोर्स और लेडी के फोर्स का वर्क डन हमें निकालना है, स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहले इन्होंने हमें ग्राफ बनाने को बोला, ग्राफ बना दिया, अब वर्क डन निकालने को बोल रहे हैं, वर्क डन भी निकाल देते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स तो कॉन्स्टेंट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स तो ट्रंक पे लगने वाली है कॉन्स्टेंट फोर्स है, कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना तो बहुत ही आसान है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा, में फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड 50, ट्रंक का डिस्प्लेसमेंट 20, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट बीच में एंगल 180, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स 50, ट्रंक में डिस्प्लेसमेंट 20, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट राइट बीच में एंगल 180, कॉस 180 माइनस 1 कितना वर्क डन आ जाएगा, माइनस 1000 जूल। आया समझ में, आया सबको? और ध्यान दो, सीधा हम ग्राफ से के एरिया से भी निकाल सकते थे, फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकाल लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लो, एरिया कितना आ रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल की हाइट 50, लेंथ 20, एरिया कितना हो जाएगा 50 × 20 1000, और ये एरिया बिलो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, तो मैंने भाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होती तो पॉजिटिव। वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होती तो उसको हम पॉजिटिव मानते, वर्क डन पॉजिटिव आता, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है तो उसे हम वर्क डन उसको नेगेटिव मान रहे हैं, उसका वर्क डन भी अभी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एरिया बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव कितना, माइनस 1000। खैर अभी दिमाग लगाते हैं लेडी के फोर्स के वर्क डन का, लेडी की फोर्स रास्ते में वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रही है उसका ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है ना, उसका ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट करके दिखा दिया। अब इसकी वजह से वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन निकालने के लिए फिर से एरिया निकालते हैं। चलो तुम्हारे सामने जो ये ग्राफ बना हुआ है इसका एरिया निकालते हैं, चलो पहले ये वाला एरिया, या चलो पहले ये वाले बॉक्स का एरिया, ठीक है। तुम्हारे सामने जो बॉक्स मैंने शेड करके दिखा दिया है, इसकी विड्थ कितनी है 10, हाइट कितनी है 100, 10 × 100 कितना एरिया आ गया 1000, ठीक है। फिर तुम्हारे सामने ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, ट्रेपेजियम की विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है 20 − 10 = 10, इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट इज वेरिंग फ्रॉम 100 to 50, लीनियरली वेरिंग फ्रॉम, हाइट इज लीनियरली वेरिंग फ्रॉम 100 to 50, तो इसकी हाइट की मीन वैल्यू 100 + 50/2, तो विड्थ ट्रेपेजियम की विड्थ तो 10 और हाइट वेरिंग फ्रॉम 100 to 50, मीन वैल्यू ले ली हमने 100 + 50/2 कितना आ गया 150/2, 75 × 10 750। तो वर्क डन बाय लेडी ऑन ट्रंक
is going to be 1000 plus 750, 1750. आया समझ में आया? ठीक है, तो वर्क डन बाय लेडी 1750 जूल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस 1000 जूल, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. अगर हमसे नेटवर्क डन पूछा होता, लेडी के फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स का नेटवर्क डन पूछा होता, तो नेटवर्क डन पूछा नहीं है, पर अगर पूछा होता तो मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ट्रंक विल बी इक्वल टू 1750 माइनस 1000. That is 750. और अब ठीक है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ. वर्क डन, नेट वर्क डन, ट्रंक के ऊपर नेट वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, ट्रंक के ऊपर नेट वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 750 जूल आ रहा है, तो ट्रंक की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? ट्रंक पे नेट वर्क डन नेगेटिव आता तो ट्रंक की एनर्जी डिक्रीज होती, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, नेगेटिव आ रहा था ना वर्क डन, एनर्जी क्या हो रही थी साइकिल की? डिक्रीज. अभी नेट वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो ट्रंक की एनर्जी क्या होगी? होगी इंक्रीज. कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, फिर से एनर्जी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट तुम नाइन्थ पास हो, नाइन्थ में पोटेंशियल एनर्जी, MgH, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. ट्रंक को क्वेश्चन में कैसे मूव करा रहे हैं? रेलवे स्टेशन पे हमारा प्लेटफॉर्म कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल. ट्रंक को हम कैसे मूव करा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल. ट्रंक की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो. ट्रंक की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो. तो जो भी हमारा वर्क डन हुआ है वो कहाँ गया होगा? ट्रंक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने. ठीक है ना, तो क्वेश्चन में मैं तुम्हें रियलाइज करा रहा हूँ, एट 20 मीटर जब हमारी लेडी फोर्स लगाना बंद कर देगी, तब भी तुम्हारे ट्रंक फर्दर और आगे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. समझ में आया? लेडी जब फोर्स लगाना बंद कर देगी, लेडी फोर्स लगाते हुए कितना डिस्प्लेस करा चुकी है? 20 मीटर. एंड बियॉन्ड दिस 20 मीटर जब उसने फोर्स लगानी बंद कर दी, तब भी तुम्हारा ट्रंक फर्दर और आगे जाएगा, फर्दर और आगे डिस्प्लेस होगा, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से कितना. ठीक है, फिर से ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया हुआ, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे तुम्हें ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा और तुम्हें दिमाग लगवा रहा हूँ. तो ध्यान दो, जब तुम्हारे लेडी ने फोर्स अप्लाई करनी बंद कर दी, तब तुम्हारे ब्लॉक के अंदर नेट एनर्जी 750 जूल है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब लेडी का फोर्स लगना बंद, उसकी वजह से वर्क डन होना बंद, तो ध्यान दो फ्रिक्शन तो अभी भी लगेगा, और फ्रिक्शन इसकी काइनेटिक एनर्जी को खत्म करेगा. ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा था हमारा? 50. फ्रिक्शन के अगेंस्ट मैं बॉडी को कितना और डिस्प्लेस करूं कि 750 जूल एनर्जी लॉस हो जाए? 750 जूल एनर्जी लॉस हो जाए, क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट? 50 मीटर. तो ध्यान दो, रुकने से पहले ट्रंक टोटल कितना डिस्प्लेस होने वाला है? तो लेडी ने फोर्स लगाते लगाते कितना डिस्प्लेस कर दिया था? 20. जब उसने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, ट्रंक में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को जब तक फ्रिक्शन खत्म नहीं कर देता, तब तक तुम्हारी बॉडी और डिस्प्लेस हो जाएगी 15. तुम्हारा ट्रंक टोटल कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? 35 मीटर. ठीक है ना, पर ठीक है, ये जो डिस्कशन तुम्हारे सामने मैंने कर दिया, ये एक्स्ट्रा कर दिया, ये सब हमारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रखा. ठीक है, पर ठीक है, तुम्हारा दिमाग कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चलोगा. समझ में आया क्या चल रहा है क्वेश्चन में? चलो, वर्क के ऊपर थोड़ा थोड़ा एनर्जी के बारे में भी बताना साथ साथ स्टार्ट कर रहा हूँ. कोई नहीं, चैप्टर वर्क पावर एनर्जी है, और हमें वर्क और एनर्जी को ही आपस में रिलेट करना सीखना है. वही प्रोसेस हम लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया है. तो वर्क का फॉर्मूला समझ में आ गया, अभी पावर और एनर्जी के फॉर्मूले में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही.